अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज जो है वो मैं मटन कढ़ाई बना रही हूँ ईद के लिए, तो उसकी मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। और इसको लाहौरी मटन कढ़ाई कहते हैं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आप सबसे रेसिपी शेयर करती हूँ। मैंने जो है वो मसाला तैयार करके रख दिया है। ये हरा धनिया, ये टमाटर ऐसे कटे हुए, ये हरी मिर्चें काट के रखी हैं, और ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चों को कूट के उसका पेस्ट बना लिया है। ये हमारा मटन है, ये 1 किलो से थोड़ा ही कम है, मतलब आधा किलो से ज़्यादा है और 1 किलो से कम है। इसको हम ऐसे प्रेशर कुकर में, ये मैंने प्रेशर कुकर जो है ना वो अवेलेबल करके रखा है, वो डाल देंगे। मटन हमने जो है वो इसमें डाल दिया है। उसके बाद जो है ना वो ये लहसुन अदरक और हरी मिर्चें इनको कूट के मैंने इसे रख लिया था। अब ये रख डाल दूंगी इसके अंदर। अब होगा ना हमारा गोश्त, जितना मटन होगा उतना ही हम पानी डाल देंगे। अगर आपके पास 1 किलो गोश्त है तो आप इसमें 1 लीटर पानी डाल देना। और मैं गोश्त के साथ से जो है ना इसमें पानी डाल रही हूँ। तकरीबन आधा किलो हमारे पास टमाटर हैं कटे हुए, हम ये डाल देंगे इसमें। स्पून हम इसमें नमक डालेंगे, नमक तो फिर हम अपना जो जायका है उसके हिसाब से डालेंगे। इसको जो है ना वो हम मिक्स कर लेंगे। अब 10 मिनट के लिए जो है ना वो हम इसे 5 फ्लेम पर प्रेशर पर लगा देंगे, ओनली फॉर 10 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि हमारा गोश्त जो है वो ज़्यादा ना गले। 10 मिनट के लिए 5 फ्लेम पे हम इसको प्रेशर पे रख देंगे, ताकि हमारा जो गोश्त है और जो टमाटर है वो गल जाए। ठीक है, इसे एक कढ़ाई ले लेंगे। 12 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको बंद कर रही हूँ। और ये थोड़ा सही हो जाए फिर जो है वो मैं खोलूँगी, और जो भी है सब मतलब गोश्त वो सारा इसमें ट्रांसफर कर दूँगी। एकदम से ना ये प्रेशर कुकर का ढक्कन कभी नहीं खोलते, ये थोड़ा सा कम हो जाए, क्योंकि ना ऐसे आप हम जल सकते हैं। इसको थोड़ा कूल डाउन होने देने के बाद इसका ढक्कन हमेशा ओपन किया करना। तो भी गोश्त है वो हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे, सारा का सारा गोश्त हमने इसमें डाल दिया। अब थोड़ा पानी को हम खुश कर लेंगे। ये जिस तरह हमारी कटी, इस तरह की कटी हुई हरी मिर्ची हैं वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद हमें जो है वो ये जो सारा पानी है इसको हम खुश कर लेंगे। हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे, ये जीरा, काली मिर्च, लौंग, ये बड़ी इलायची और दालचीनी, इस सबको अब हम मिक्स कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च और 1/4 जो है ना वो इसमें हल्दी डाल के इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। और भी भुनेंगे, जितना हम भुनाई करेंगे उतना हमारा खाना जो है अच्छा होगा। अब हम इसमें फेटा हुआ दही डाल देंगे, आधी प्याली या 1 प्याली जितना उसका मटन है उसके हिसाब से, और मिक्स कर देंगे। मैं बीच में जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, मेरे जहन से निकल गया था। मैंने दही डालने के बाद जो भुनाई की, उसके बाद जो है ना वो अच्छी तरह भुनाई करने के बाद मैंने इसमें आधा चम्मच जो है ना वो गरम मसाला डाल दिया था, और जो है ना वो आधा चम्मच काली मिर्च डाल दी थी, और आधा चम्मच सूखा धनिया डाल के उसको अच्छी तरह से भून लिया था।
और भुनने के बाद फिर मैंने ये ऑल्फर्स की क्रीम मिल्क जो है ना वो डाल के इसको अगेन जो है वो भून लिया था। एंड देन आखिर में बस फ्लेम बंद करके इसको मैं मिर्चों से, अदरक से और इससे मैंने गार्निश कर दिया। मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें और बताएं कैसी लगी मेरी रेसिपी। अल्लाह हाफिज़।